दोस्तों, अगर आपने भी सुप्रा एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया है तो आपको बताना चाहेंगे इसकी पब्लिक सेल लाइव हो चुकी है। सुप्रा कॉइन का प्राइस क्या होने वाला है ये आपको अभी पता चल जाएगा। इससे आप एस्टीमेट लगा पाएंगे कि कहां तक ये जा सकता है और कितना हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इनकी तरफ से फंडिंग की गई है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेल में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। और ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पर करेंगे तो लगभग 6 मिनट पहले ही यहाँ पर दिया गया है अपडेट, और ये आप यहां पे सेल्फ देख सकते हैं। तो यहां पे हम सप्लाई के बारे में भी चर्चा करेंगे और कितना एयरड्रॉप के रिगार्डिंग सुप्रा रखा गया है वो भी आपको बताएंगे। और ये आज तक आपको नहीं बताया होगा कि इसका प्राइस क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सुप्रा का प्राइस क्या है। तो मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपने अगर इसको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा वो वीडियो का, और वो वीडियो का लिंक के साथ साथ ये ज्वाइनिंग का भी लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सुप्रा ओरेकल की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ पार्टनरशिप की गई है। इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और छोटे से छोटे भी प्रोजेक्ट हैं। इसमें कुछ एक्सचेंजेस भी हैं, कुछ वॉलेट्स भी हैं जिनकी यहाँ पे आप देखेंगे पार्टनरशिप हुई है, और इन्होंने पहले ही पार्टनरशिप से यहाँ पे अच्छा खासा फंडिंग रेज कर लिया था। कुछ मिलियंस में यहाँ पे फंड रेज किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो जो लोग बाई करना चाहते हैं पब्लिक सेल में, मैं बिल्कुल भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे इसकी सप्लाई काफी ज्यादा है वो आपको अभी पता चल, उस हिसाब से आप देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है वो आप देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नेटवर्क का मिलता है प्रोडक्ट सुप्रा टोकनोमिक्स। तो हम तो चलते हैं सुप्रा टोकनोमिक्स के ऊपर, सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम आपके सामने रोड मैप और प्राइस यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर सुप्रा टोकनोमिक्स पे आते हैं तो सुप्रा टोकनोमिक्स पे आने के बाद यहां पे आप देखेंगे काफी पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग जो यहां पे 21% सुप्रा कॉइन है वो किसके रिगार्डिंग रखा गया है। यहां पे आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट वैलिडेटर फॉर सिक्योरिटी एंड, और अगर 21% की बात करें तो ये इनकी जो सप्लाई है 21% वो 2.1 बिलियन बन जाती है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। अब जो सुप्रा टोकनोमिक्स रखा गया वो किस तरीके से आप सभी को मिलेगा वो आप देखिए। जो लोग यहाँ पे प्री सेल में कर रहे हैं, द सुप्रा टोकन सप्लाई स्प्लिट एंड प्राइमरी एलोकेटेड टू वार्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क कम्युनिटी द एलोकेशन पब्लिक सेल। देखिए 3% तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सप्लाई का जो 3% है वो किसके लिए रखा गया है, पब्लिक सेल के लिए। और जब ये टीजी आएगा यानी टोकन जनरेशन इवेंट रखा जाएगा तो 10% इंस्टेंट अनलॉक कर दिया जाएगा, और बकाया जो है वो 18 महीने में यहाँ पे अनलॉक होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एयरड्रॉप का क्या है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि सप्लाई का 4% यानी 400 मिलियन टोकन यहाँ पे बताया गया है लर्न टू अर्न और गेमिफाइड एयरड्रॉप, और इसका जो यहाँ पे मिलेगा लोगों को उसका 10% टीजी के समय अनलॉक होगा, 3% पर मंथ अनलॉक होगा। इसका भी सेम प्रोसेस रखा गया है, ये आप देखेंगे 30 महीने में अनलॉक होगा। यानी जो ये एयरड्रॉप है ये किसका, लर्न अर्न का जो वाला एयरड्रॉप है वो यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही और भी एयरड्रॉप्स एक दो यहाँ पे मिक्स हैं, लेकिन अब हम आपको एक चीज बता दें, जो यहाँ पे प्राइस का आपका कंफ्यूजन है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहेंगे जो यहाँ पे रोड मैप के थ्रू है। ये आप इनका देख सकते हैं रोड मैप है, रोड मैप में क्या है तो यहाँ पे जो ये लॉन्चिंग का समय है वो आप देख लीजिए। इनकी सेल्फ ब्लॉक चेन है, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये वाला है ये 2023 का है, इसमें आप देखेंगे पब्लिक सेल कंप्लीट हो रही है, डिसेंट्रलाइज इंसेंटिव टेस्टनेट। और यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो है इसमें बताया गया है क्या क्या है वो आप देखिए, ओरेकल चेन मेननेट लॉन्च, यानी जो इनकी ब्लॉक चेन है वो यहां पे लॉन्च की जाएगी। ये 2024 में है और मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा। हाइपरनोवा लॉन्च, उसके बाद सुप्रा एंड इंट्रा लेयर फुली डिसेंट्रलाइज, ये चीजें यहाँ पे हैं। अब हम आपको सीधा लेकर के आते हैं यहाँ पे प्राइस पे, तो देख लीजिए प्राइस क्या है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा, यहाँ पे सिंबल जो बताया गया है इसका आप देख लीजिए। यहाँ पे सुप्रा का क्या है, सुप्रा ब्लॉकचेन क्या है, सुप्रा नेटवर्क, वॉलेट क्या है ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जो प्राइज है, प्राइज पे जैसे ही आप जाते हैं तो प्राइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
48 इतना इसका प्राइस है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हम लोगों को 400-500 टोकन मिले हैं उनका यहाँ पे कोई अच्छा प्रॉफिट यानी 100-200-500 USDT का देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका यहाँ पे प्राइस है, इस हिसाब से आपके सामने सारा कुछ आ चुका है। तो प्राइस इसका काफी डाउन है, डाउन होने का कारण है क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई आप देखेंगे तो बिलियंस में सप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको आप देख लीजिए, यहाँ पे इनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं और यहाँ पे बताया गया है 24 मिलियन रेज फ्रॉम अर्ली इन्वेस्टर्स, यानी 24 मिलियन यहाँ पे इन्होंने अर्ली इन्वेस्टर्स से यहाँ पे रेज किया है। इसमें रेजर हैं, फिनटेक है और हुबी है, यहाँ पे आप देखेंगे साउंड है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉइनबेस है, वेंचर है, गैलेक्सी है, ये इनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरुआत में ही यहाँ पे डिपॉजिट किया है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है वो इनका यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा इनका कन्फ्यूजन करता है पैदा जो यहाँ पे टोकनोमिक्स है। टोकनोमिक्स में सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि आप देखेंगे बर्निंग का प्रोसेस नहीं है। इस सप्लाई में अगर बर्निंग का प्रोसेस होता कि हाफ जो इसकी सप्लाई है वो बर्न हो जाएगी तो कोई प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। अगर अर्ली इन्वेस्टर्स इस तरीके से आए हैं और आगे अगर और ज़्यादा यहाँ पे आते हैं लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले, लेकिन इस प्राइस से यहाँ पे कुछ भी अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेते हैं कि एक यूजर को यहाँ पे 450 टोकन मिलते हैं सुप्रा के, 450 टोकन मिलते हैं सुप्रा के, तो एक कॉइन का प्राइस जो है वो 0.048 है। अब अगर 0.048 इसका प्राइस रहता है तो 450 मल्टीप्लाई 0.048 करते हैं तो आपके लगभग 20 USDT बन जाते हैं। हम मान के चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका 0.048 है इसको यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे सीधा बन कर देते हैं। अगर आप बन भी यहाँ पे कर देते हैं तब भी आपका 30-40 USDT यहाँ पे शो करता है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में अनलॉक होगा वो आपका 10% होगा। उसके बाद में जो आपका बचेगा, अब मान के चलिए आपके यहाँ पे 100 कॉइन है, 100 कॉइन के आपके 90 कॉइन बच गए, 10 कॉइन अनलॉक हो गए, तो 90 कॉइन जो बचे हैं वो आपके कितने महीने में, 30 महीने में अनलॉक हो गए। तो यहाँ पे अनलॉकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही लंबा है और जिन लोगों ने प्री सेल में पार्टिसिपेट करना है उनके 18 महीने में अनलॉक होंगे। तो आप सभी के सामने सुप्रा का जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है वो आपके सामने आ चुका होगा। अब सुप्रा के रिगार्डिंग आपके कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप हमें बताइए। आगे आने वाले समय में सुप्रा का और अगर कोई अपडेट आएगा तो वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सुप्रा की पार्टनरशिप जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर इसी तरीके से और इन्वेस्टर्स बढ़ते रहे तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्राइस क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम ही रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।